गाइस एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आप 50 की उम्र में भी 25 के दिखेंगे। आपके फेस पे वो नूर होगा, वो ग्लो होगा। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आपकी फाइन लाइंस और रिंकल फेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आपकी उम्र नहीं है, तो भी अगर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे तो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल इतनी जल्दी रिड्यूस होंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप किसी भी सलून में जाके अपने महंगे से महंगा फेशियल कराती हैं तो भी आपके फेस पे इतना ग्लो नहीं आएगा जितना आज मेरी बताई हुई इन एक्सरसाइज से आने वाला है। लेकिन इन एक्सरसाइजेस के साथ आपको दो इम्पॉर्टेंट टिप रोजाना फॉलो करनी होगी और फिर देखना अपने चेहरे का ग्लो, आपके पिंपल, एक्नीस, इनफैक्ट अगर आपके झाइयों के मार्क्स भी है ना तो वो भी दूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। जो छोटी सी घंटी आइकन होती है उसको प्रेस करते टाइम ऑल पे क्लिक करो ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख के उसका फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को कर दीजिएगा जमकर शेयर, लाइक कर देना, क्योंकि लाइक में कोई पैसा नहीं लेकिन अंदर वाला मोटिवेशन बहुत मिलता है और वो एक अलग सी जज्बा और खुशी देता है कुछ नया बनाने के लिए, कुछ और बेहतर लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज से पहले बारी आती है दो इम्पॉर्टेंट टिप की जो मैंने आपसे कहा था। पहली टिप है इसमें कि आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता क्या होती है, चिता के बराबर होती है। अगर आप कितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे, कितनी भी क्रीम्स, पाउडर्स या कितना भी हेल्दी डाइट खा लेंगे तो भी आपके चेहरे पर वो नूर नहीं आएगा, बल्कि आपका फेस डल होगा, डार्क सर्कल्स होंगे, एजिंग पहले आएगा। तो स्ट्रेस लेना बंद करें, लाइफ में आगे क्या होगा आज में जिए, आज कितने खुश हैं, आज को दिन को एंजॉय करें, बिल्कुल सोचना बंद कर दें और अपनी लाइफ में देखिए आपके फेस में, आपके बॉडी में कितना ज़्यादा चेंजेस आने अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा टिप है कि पानी को ज़्यादा इनटेक करें, जितना हो सके मैक्सिमम पानी पिए। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ही आपकी बॉडी अंदर से क्लेंस होगी, आपको जो पिंपल्स, एक्ने बार बार निकलते हैं वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए बिना किसी रेमेडी के जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, चाहे वो बॉडी की हो या फेस की हो, डेफिनेटली वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं कौन सी एक्सरसाइज है पहली। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने मुंह से सांस भरना है, मुंह को फुलाना है, नोज़ को प्रेस करना है और नेक को डाउन करके कुछ सेकंड होल्ड करना है। देन आपको अपने माउथ से ही अपनी जो एयर आपने मुंह में भरी है उसको रिलीज़ करना है। ऐसा कम से कम आपको दिन में 6 से 7 दफ़ा करना है। आपने खाना खा रखा हो या नहीं खा रखा हो, टीवी देख रहे हो, किसी से बात करके फ्री हो चुके हो, कभी भी पूरा दिन इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं कि आपको सुबह ही करना है। तो चलिए करते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इससे आपके फाइन लाइंस, रिंकल बहुत अच्छे से दूर होते हैं, आपके फेस की मसल स्ट्रेच होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज आपने बिल्कुल सुबह उठते ही, जैसे आप सो रहे हैं सुबह उठते ही आपने सबसे पहले किसी से बात करे बिना कहीं उठ के जाने की जगह आपने बेड पर ही करनी है। क्या करना है, जो हमारे दादी नानी सब लोग रेकमेंड करते हैं लेकिन उनकी कौन मानता है आजकल के ज़माने में, है ना, और फिर हम लोग तभी पछताते हैं। तो इसके लिए आपको अपने उठते ही जो हथेलियां हैं उनको रब करना है। आप देखेंगे आपके हाथों में बहुत हीट आ जाएगी और उसके बाद सबसे पहले अपने आँखों पर, फिर अपने फेस पे, कम से कम 3 से 4 बार आपको ऐसा करना है। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे पर एक अलग सा ही ग्लो आ रहा है। आपकी जो आई पफिनेस की प्रॉब्लम थी, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी, आपके आंखों के नीचे की जो स्किन थी वो अलग सी सूजी सूजी रहती थी,
वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आपके फेस पे इतना अच्छा वाला ग्लो आएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वज्र आसन में इस तरीके से बैठ जाना है और अपनी लेग्स को वाइड करना है। ये होता है सिंह आसन। आपको अपने हाथों को यहाँ प्लेस करना है और आपको अपनी टंग पूरे फोर्स के साथ बाहर निकालते हुए गरजना है, वैसा साउंड करना है जिससे कि आपका पूरा का पूरा यहाँ तक एरिया, नेक एरिया तक आपके जो है पूरा स्ट्रेच होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो आता है आपको, मतलब फेस को जो कहते हैं ना ये चार्ज मिल जाता है आपके फेस को, वो चीज़ आ जाएगी, एकदम चार्ज हो जाएगा आपका फेस। तो इसको आपको कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है और रूटीन में फॉलो करना है सारी एक्सरसाइजेस को। रिलैक्स हो जाइए। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं लायन पोज और ये आपके फेस को बहुत अच्छे से चार्ज करती है, बहुत अच्छा ग्लो लेके आती है, एजिंग को ख़त्म करती है, ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से फास्ट कर देती है। अब इसके साथ 2 क्रियाएं आपको और करनी है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेस को पिंच करना है, जैसे मैं बताऊँगी ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपका जो फेस है वो चार्ज हो जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो चलिए कम से कम आपको भी इसको एक दिन में 3 से 4 दफा या 6 से 7 दफा जरूर करना है। साथ अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेस को टैप करना है। ये टैप जो हम करते हैं तो इससे हमारा फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। आपको स्लो मोशन में करना है, इतना तेज नहीं कि आपका रेड हो जाए, आपको चोट लगे, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए फॉलो करते हैं। रिलैक्स। इसके साथ लास्ट स्टेप देना चाहूंगी कि रोजाना तांबे के जग का पानी पिए। अगर आप रात को तांबे के जग में पानी भर देते हैं और सुबह पीते हैं तो वैसे भी वो आपके बहुत सारे वेस्ट टॉक्सिन्स को निकालता है, आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है, और अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप पिंपल एक्ने से बच पाएंगे। आपको कोई भी महंगी क्रीम्स, फेयरनेस क्रीम, ग्लोइंग क्रीम, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में जो आपसे बहुत सारा पैसा ऐड लेती हैं और आप कंटिन्यूस उसको 1 साल तक लगाते रहते हैं और आपके फेस पे बहुत कम ग्लो आता है, और जैसे ही स्टॉप करते हैं क्रीम्स का यूज़ करना, आपका फेस वापस से डल पड़ने लगता है और पहले से कहीं ज़्यादा डल पड़ता है। तो केमिकल जितना लगाओगे आपका फेस उतना ही ख़राब होगा। तो उस चीज़ों से बचें और नेचुरली एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में शामिल करें, डेफिनेटली आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। खूब सारा प्यार देते रहे, प्यार देने के लिए लाइक करें, शेयर करें जमकर, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस बॉयज़ भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने फेस पे ग्लो पसंद होता है यार। तो कोई भी फॉलो करो और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।